हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा। आज हम बात करते हैं टीथ वाइटनिंग के बारे में। बहुत बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम, क्या आप टीथ वाइटनिंग करते हैं या ऐसा कोई प्रोसीजर है जिससे हमारे दांतों का शेड लाइट हो जाए, हमारे दांत एकदम साफ होकर सफ़ेद हो जाएं? तो जी हाँ, टीथ वाइटनिंग एक डेंटल प्रोसीजर है जिससे आपके दांत, जो आपका करंट शेड है, उससे एक या दो शेड वाइट हो सकते हैं और आपकी स्माइल डेफिनेटली ब्यूटीफुली इन्हांस्ड हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं दांत के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले दांत के ऊपर जो लेयर होती है, जो सफ़ेद कलर की हमको आपको अपने मुँह में दिखाई देती है, वो है इनेमल। इनेमल इज़ मोस्टली वाइट इन कलर। उसके नीचे की लेयर होती है डेंटिन, जो ऑफ वाइट या येलो कलर की होती है। देखिए, एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हम डे टू डे अपनी लाइफ में चाय, कॉफ़ी, कोलास, इवन जूसेस, जो जैसे कि चुकंदर का जूस, और इसके अलावा पान मसाला, गुटखा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेते रहते हैं जिसका धीरे धीरे ग्रेजुअली इफ़ेक्ट आता है हमारे इनेमल पर। और इनेमल में जो माइक्रोपोरोसिटीज़ होती हैं, वो स्टेन हो जाती हैं। इस वजह से आपको अपने दांतों का शेड डार्क लगने लगता है। ज़्यादातर ऐसा 40 से 45 की एज में पाया जाता है, जब हमारे दांतों का कलर चेंज होने लगता है। पर कभी कभी कम उम्र के लोगों में भी, यानी 20 से 25 साल में भी देखा गया है कि दांतों का कलर पीला होने लगा है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके बहुत सारे कारण जैसे हो सकते हैं कि अगर आप अपने दांतों की साफ़ सफ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो दांतों में जो भी स्टेन्स लग रहे हैं वो टाइम से रिमूव नहीं हो रहे हैं और आपके दांत ग्रेजुअली पीले पड़ते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल किस तरह की है? अगर आप अपने डेली रूटीन में चाय, कॉफ़ी, कोलास, आर्टिफिशियली कलर्ड जूसेस, पान मसाला, गुटखा, इवन कुछ वाइन्स ऐसी होती हैं जो आप ज़्यादा लेते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके टीथ के कलर के ऊपर एक स्टेन छोड़ जाती हैं रेगुलर यूज़ के साथ। सो इन सब के होते होते एक बार आपको, हमें ये लगता है कि हमारे दांतों का कलर जो है वो पहले से काफ़ी डल हो गया है, तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर। तो डेफिनेटली हम लोग एडवाइज़ करते हैं कि यू कैन गो फॉर डेंटल वाइटनिंग ट्रीटमेंट। तो क्या है डेंटल वाइटनिंग ट्रीटमेंट? इसमें हम आपके दांत के लेयर के ऊपरी सतह के ऊपर एक वाइटनिंग एजेंट लगाते हैं इन ऑफिस या डेंटल क्लिनिक में। लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये प्रोसीजर रहता है। इसके बाद आपके जो दांत हैं वो आपके प्रेजेंट कलर शेड से, जो आपके दांत का शेड आप आए थे उस वक्त था, उससे एक या दो शेड लाइट हो जाते हैं। इस प्रोसीजर को एक बार ही नहीं, कभी कभी हमें दो बार दो सिटिंग में भी करना पड़ता है। और इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए रहते हैं, जैसे अगर आपको थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होती है तो उसके लिए हम आपको एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट या माइल्ड पेन किलर्स भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, डेंटल वाइटनिंग ट्रीटमेंट को डेंटिस्ट से यानी डेंटल ऑफिस में करवाना इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में और सुपरविजन के साथ आपका डेंटल वाइटनिंग का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हमें पता है कि आपके लिए कितना डेंटल वाइटनिंग एजेंट सूटेबल है, उसका टाइम कितना है, कितनी देर उसको आपके टीथ में हमें लगा के रखना है। मतलब आपका प्रोसेस पूरी तरह मॉनिटर्ड है एक स्पेशलिस्ट के द्वारा। तो मेरा एडवाइस ये है कि जब भी आप डेंटल वाइटनिंग कराएं, आप डेंटिस्ट के साथ ही, उनके साथ, उनकी गाइडेंस में, उनके ऑफिस में, उन्हीं से ही करवाएं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं होम ब्लीचिंग के। क्योंकि पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं, क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम घर पे यूज़ करें, हमारे दांतों का शेड लाइट हो जाए? तो जी हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप घर पे यूज़ करके दांतों का शेड थोड़ा बहुत लाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होम ब्लीचिंग में जो इस्तेमाल किया जाता है वो होती हैं होम ब्लीचिंग ट्रेस, जो आपको फार्मेसी पे आसानी से मिल जाएंगी। इनको आप यूज़ करके अपने दांतों को थोड़ा बहुत लाइट कर सकते हैं। पर देखिए, इसको यूज़ करने के बाद रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है और उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता जितना आप एक डेंटिस्ट के द्वारा करवाए जाने पर, ब्लीचिंग करवाए जाने पर आपको मिलता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और डेफिनेटली इसमें जिस तरह से मेडिसिन यूज़ होती है, ये ज़रूरी नहीं कि वो एक कंट्रोल्ड या ऑप्टिमम अमाउंट में हो। ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो हो सकता है कि आपको इससे बेनिफिट कम हो और इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो।
तो मैं ये आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपके दांतों में इस तरह से पीलापन है या फिर स्टेन्स आ गए हैं, तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलें, अपने दांतों को चेक कराएं और फिर ये डिसाइड करें कि आपको किस तरह का डेंटल वाइटनिंग ट्रीटमेंट लेना है। इसके अलावा कुछ लोग अगर वाइटनिंग के लिए अगर आप सोचते हैं कि घर पे आप कुछ पेस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको इस तरह के जो एब्रेसिव पेस्ट आते हैं इनको एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि इससे बहुत बार दांतों की ऊपरी लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर इनेमल है ये घिसने लगती है और आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये एब्रेसिव टूथपेस्ट या कोयला या राख, इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको अपने दांतों पे नहीं लगानी चाहिए। दोनों टाइम आप अपने डेंटिस्ट द्वारा सजाए गए पेस्ट और ब्रश से दांतों को अच्छी तरह साफ़ करें, आपके दांतों का कलर मेंटेन रहेगा और ज़्यादा इस तरह की स्टेनिंग वाली चीज़ें वो कम से कम लें, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोला, पिगमेंटेड जूसेस वगैरह। तो डेफिनेटली आप अपने डेंटल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं, अपने दांतों के कलर को भी मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।